नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और टीएमसी का प्रचार जोरों पर है। इस उपचुनाव में सभी की नजरें भवानीपुर सीट पर हैं, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। भवानीपुर में टीएमसी और बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच रविवार को पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी भवानीपुर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिबरेवाल के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान दिलीप घोष ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दीवारों पर पार्टी का चुनाव चिन्ह पेंट किया। इस दौरान दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता दीदी नंदीग्राम से भी यही सोचकर चुनाव लड़ी थी कि वो जीत जाएंगी, लेकिन उन्हें वहां हार का सामना करना पड़ा। इसलिए राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, लड़ेंगे और लड़ाई करके हम लोग एक बार ममता बनर्जी को हराया नंदीग्राम में, और दोबारा फिर उन्होंने यहाँ आई है तो यहाँ भी हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरी तैयारी के साथ। और पहली बार अभी वॉल राइटिंग शुरू हुआ है तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आज प्रचार के लिए, चार चक्र के लिए, तो इसीलिए दीवार लिखन के माध्यम से इस प्रचार का मैंने शुरुआत किया। जिस तरह से कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के ये जो कैंडिडेट है इनका ना कभी नाम सुना है और ये सिर्फ एक बोल रहे कि बलि का बकरे के तौर पर उनको था। ममता बनर्जी जब पहली बार चुनाव जीती उसके पहले तो उनका नाम कोई नहीं जानता था, और सोमनाथ चटर्जी जैसा व्यक्ति को हराया था उन्होंने। राजनीति में क्या होता है किसी को मालूम नहीं है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी गई थी जीतने के लिए, 30,000 में 40,000 में जीतने वाली थी, उल्टा हार के आ गई है। इसलिए राजनीति कब किधर करवट बदलता है कोई नहीं जानता है। आपको बता दें कि भवानीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रियंका टिबरेवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। पहले माना जा रहा था कि ममता के सामने किसी बड़े चेहरे को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन खबर आई कि सभी बड़े चेहरों ने ममता के खिलाफ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि सभी को हार के बाद अपनी छवि के नुकसान की चिंता सता रही थी। ऐसे में बीजेपी ने प्रियंका पर बड़ा दाव लगाया है। प्रियंका टिबरेवाल सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगी, जबकि ममता बनर्जी पहले ही अपना नामांकन भर चुकी हैं। प्रियंका टिबरेवाल ने शनिवार से ही ममता के खिलाफ अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के लोगों को जिंदा रहने का अधिकार है, और ये अधिकार जो है डेमोक्रेसी में उनसे छीना जा रहा है, और ये छीनने वाले जो हैं वो है तृणमूल के लोग, और इसके पीछे जो खड़ी हैं वो है ममता बनर्जी। तो उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है, और इस लड़ाई में मैं पश्चिम बंगाल की उस सताई हुई तड़पाई हुई जनता के साथ खड़ी हूँ, उनकी आवाज़ में। आपको बता दें भवानीपुर के अलावा मुर्शिदाबाद की जंगीपुर और शमशेरगंज विधानसभा सीट पर भी 30 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।